महज कुछ महीने बाद ही वो होने वाला है जिसकी उम्मीद करोड़ों देशवासियों को पीएम मोदी से थी। देश के काले धन कुबेरों के काले अध्याय का पर्दाफाश होने वाला है। स्विस बैंक में जमा ब्लैक मनी की जानकारी जल्द ही अब भारत को मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीयों के अकाउंट से जुड़ी जानकारियां स्विट्जरलैंड अब आधिकारिक तौर पर भारत को देने जा रहा है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर से पहले स्विस बैंक भारतीयों के जमा पैसे की जानकारी भारत को दे देगा। जानकारी साझा करने के लिए स्विट्जरलैंड की संसदीय प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुआ समझौता जनवरी 2018 से प्रभावी हो गया है। स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स की सूचनाएं मिलने के बाद इसका मिलान उनके टैक्स रिटर्न से किया जाएगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्ताव में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 को दोबारा खोले जाने का प्रस्ताव दिया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए खोली जाएगी जिन्होंने इस स्कीम के तहत अपनी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा तो किया था लेकिन तय तारीख तक टैक्स सरचार्ज और पेनाल्टी का भुगतान नहीं किया। मोदी सरकार आखिरी वक्त में भी एक और मौका काले धन कुबेरों को देने के मूड में है। ऐसे में काले धन कुबेरों को फैसला करना है कि वे या तो खुशी खुशी काले धन का हिसाब किताब सरकार को दे दें वरना बाद में पछताने के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है।